देखिए, आज जो है हमारे अभी जो रिसेंटली कंक्लूडेड जनरल इलेक्शंस है, पार्लियामेंट इलेक्शंस है, इसमें बहुत सारी स्वयंसेवी संस्थाओं ने, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ने मतदाता सूचियों को स्वच्छ बनाने के लिए भी और चुनाव में अधिक से अधिक पारदर्शिता हो, प्रतिभागिता बढ़े और निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव हो, जितने लोगों ने सहयोग किया है उन सबको, उन लोगों को रिकॉग्निशन करने के लिए उनको एक सर्टिफिकेट भी देने के लिए आज प्रोग्राम था। तो उसके परिप्रेक्ष्य में मीडिया के जो सहयोगी लोग हैं उनको भी धन्यवाद भी देना है। जैसे भी डीएम साहब ने भी कही भी रहे कि आप सब लोगों ने बहुत ज़्यादा सहयोग भी किया है इसको। नोएडा जो कि कैपिटल के नज़दीक होने के नाते और यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल शहर है, बहुत सारे एडुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, यहाँ फ्लोटिंग पॉपुलेशन है, इन सब के बावजूद जो जैसे आप बोल रहे कि आईटी हब है यहाँ पे, तो कितने लोगों के एक्सपेक्टेशंस और एस्पिरेशंस के मुताबिक यहाँ पे अच्छे ढंग से, साफ सुथरे ढंग से चुनाव को संपन्न कराएं और मतदाताओं को ये एक इन्फॉर्मेशन प्रोविजन के संदर्भ में हो और पोलिंग बूथ में बेहतर व्यवस्थाओं के दृष्टिगत हो, अच्छी व्यवस्था करते हुए, तो ये पूरी उत्साह के साथ जो भारतीय निर्वाचन आयोग ने जो कहा है देश का महात्योहार है, ये उत्साह के माहौल में आपसी एकदम निष्पक्षता के साथ, तालमेल के साथ, अच्छी भावना के साथ जो चुनाव संपन्न करने के लिए जो पूरी प्रयास किया गया है, बहुत व्यापक प्रयास किया गया, तो उसको दृष्टिगत रखते हुए आज सभी लोगों को धन्यवाद भी देना है और भविष्य के लिए भी इनका सहयोग के लिए इनसे प्रार्थना भी करनी। एक और बात बता दूँ, चूँकि यहाँ पे बहुत रिसोर्सफुल है हर तरीके से, तो इन लोगों से ये भी मैं प्रार्थना भी करूँगा कि इवन आसपास के इलाकों में भी ये लोगों का सहयोग मिलना चाहिए और आने वाले हर चुनाव हमारे लिए महत्वपूर्ण है। मैं अभी कह रहा था ग्राम पंचायत के चुनाव हो, क्षेत्र पंचायत के चुनाव हो, क्योंकि भारतीय निर्वाचन आयोग प्रजातंत्र की स्वस्थ और मजबूत करने के लिए जो हम लोगों का जो वोटर का जो प्लिज है वो कहता है कि मतदाता अच्छी भावना के साथ प्रजातंत्र की मूल्य और प्रजातंत्र की परंपराओं को से अवगत होते हुए इस प्रजातंत्र को स्वस्थ और मजबूत करने की दृष्टि से जो जितनी नेगेटिव चीज़ों से प्रभावित हुए बिना, ये बिना कोई दबाव प्रभाव हर एक मतदान में, हर एक चुनाव में, कोई भी चुनाव हो उसमें अच्छी भावना के साथ, एथिकल भावना के साथ प्रतिभाग करें। तो क्योंकि चुनाव आयोग इस चुनाव से रिलेटेड जो संविधान की सबसे सर्वोच्च संस्था है उसकी जिम्मेदारी के रूप में, और हम सब लोग भारतीय निर्वाचन आयोग के डायरेक्शन में इलेक्शन के दौरान काम करते हैं और इवन अन्य टाइम पे भी अजय जिला निर्वाचन अधिकारी से हमेशा रहता है, इट इज़ एडिशनल चार्ज, जिसमें मैं कह रहा हूँ कंटिन्यूस अपडेशन के तहत आप लोगों को जो वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने की बात हो, ईपी कार्ड देने की जो बात हो, ये इट इज़ ऑलवेज देयर। तो चुनाव के दौरान ज़्यादा हो जाता है, लेकिन अन्य टाइम पे कल जो भारतीय निर्वाचन आयोग में जो बात हुई थी, ये इट इज़ नॉट ए स्टॉप गैप या वन टाइम अफेयर, केवल कुछ दिन के लिए इलेक्शन के दौरान ही ना होके एथिकल वोटिंग के बारे में जो कैंपेन है लगातार चलते रहना चाहिए। जितनी इलेक्ट्रॉनिक लिटरेसी क्लब्स वगैरह जो बनाए गए हैं उनके बीच में संवाद, ये चर्चा है लगातार होते रहना चाहिए, ताकि अभी जो चुनाव में जितनी जो कमियां उल्लिखित बीच हमको जो परिलक्षित हुई है वो दूर भी हो सके और आने वाले चुनाव हर तरीके के, हर स्तर के जो चुनाव है अच्छे ढंग से संपन्न हो, हमारे जो प्रजातंत्र और देश मजबूत हो। देखिए, हम लोगों का इस बार जो अनुभव है ऑन द होल वायलेंस मैं कह दूंगा कि एकदम नेग्लिजिबल है और एक विश्वसनीयता की दृष्टि से ईवीएम ईवीपैड को लेके प्रदेश में बहुत तरह तरह के लोगों का अंदर तमाम गलतफहमियाँ थी, भ्रांतियाँ थी, हम लोगों ने व्यापक रूप से उसको एडुकेशन कराए थे ईवीएम और ईवीपैड को लेके, और कर्मचारी लोगों को इस बार फर्स्ट टाइम जो है ईवीएम ईवीपैड इंट्रोड्यूस हुआ था। ईवीपैड ईवीएम तो हम लोग पहले से करते आए,
तो इस वीवीपैट के बारे में भी बहुत ज़्यादा कर्मचारी लोगों को भी हैंडलिंग के बारे में सिखानी थी और वोटर्स को भी उससे परिचय कराना था वीवीपैट के साथ वोट करने के बारे में, और पॉलिटिकल पार्टी सभी लोगों को इसमें बताना भी था और उनको सहयोग भी लेना था। उस दृष्टि से काफ़ी व्यापक रूप से उसकी इस्तेमाल करने की हो, हैंडल करने की हो, मतदाताओं को जानकारी, वो भी व्यापक रूप से हुआ है। और इसमें जो एथिकल वोटिंग के बारे में पहली बार इतनी ज़बरदस्त ढंग से अभियान चलाया गया और कॉलेजेस और बहुत सारे स्वयंसेवी संस्थाओं को इसमें जोड़ा गया, और जो दिव्यांग भाई हैं और जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं उनसे जोड़ने के लिए भी इस बार बड़ा व्यापक रूप से इस पर अभियान चलाया गया। तो और विभिन्न संस्थाओं को जितनी अच्छे ढंग से इसमें जोड़ने की जो प्रयास किया गया और आने वाले दिनों में और बेहतर ढंग से किया जाएगा। तो जब तक प्रजातंत्र जितना मजबूत और स्वस्थ होगा, हम विश्वास करते हैं सभी प्रजातंत्र में कि प्रजातंत्र को जो मूल स्वरूप को जानने वाला विश्वास करते हैं, और आज़ादी लाने वाले महापुरुषों ने इसी विश्वास के साथ ये इतना बड़ी त्याग और तपस्या करके इसको आज़ादी लाई है, और ये आज़ादी क्या कर सकते हैं, ये प्रजातंत्र क्या कर सकते हैं, इसकी पूरी जो संविधान में वो लिखित है। अभी जो मैं बोल रहा था न्याय, समानता, बंधुत्व, एकता, शांति, विकास की जो बातें वादा किया है, ये सभी वादा निभेगा और सारे मतदाताओं को ये सारी सुविधाएं प्रदत्त होंगे जब ये प्रजातंत्र इन मूल्यों के आधार पर हमारे मतदाता इसको समझेगा, इसमें प्रतिभाग करेगा। तो हम सब लोग मिलके इसको प्रयास करना, क्योंकि डेमोक्रेसी ऑफ द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल है। तो इस अपने प्रजातंत्र को मजबूत करने के लिए हम सब लोगों को बड़ी शुद्ध भावना के साथ काम करना पड़ेगा। इसमें जितने लोग जो जागरूक है उसको लीडरशिप देना पड़ेगा, और हर एक व्यक्ति, हर एक स्तर का व्यक्ति इसमें पूरा सहयोग करना पड़ेगा। तो मैं आशा करता हूँ हम लोग इसमें मेन भूमिका निभाना ही हमें, लेकिन हम सब लोग मिलकर अपने देश और अपने प्रजातंत्र को मजबूत करेंगे, और इस प्रजातंत्र के माध्यम से अपने सारा मतदाताओं को अभी भी और भविष्य में और बेहतर सुविधाएँ देते हुए अपने देश को हम लोग मजबूत कर सकें।